हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस क्लास से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन ना आए। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और कहीं ना कहीं इसमें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है कभी गलत ना हो, स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि नंबर सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं, बेस की बात करेंगे, रेडिक्स की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन में मतलब, लेट से हमारे पास डेसिमल में दिया हुआ है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में दिया हुआ है तो डेसिमल में करना है, या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये तो हमारे मेन मेन हो गए। इसके अलावा हमें कोई और भी बेस दिया जा सकता है, किसी भी बेस में मुझे कन्वर्जन करनी है तो वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीपल मेथड्स। तो फिर हम बात करेंगे कन्वर्जन की। फिर आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में स्पेशली हम बात करते हैं यहाँ पे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीजन की, जिसमें से सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अचीव करते हैं, कैसे हम बाइनरी एडिशन करते हैं। देखो, डेसिमल में तो सबको पता ही है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें बाइनरी की, ऑक्टल की, हेक्साडेसिमल की, तो वहां पे हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, वी विल डिस्कस दैट। देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगेन कन्वर्जन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर सिस्टम, जिसमें हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की, टूज कॉम्प्लीमेंट की, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की, टेन, इसके अलावा 15, 16, मतलब किसी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, किसी भी हम नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें nth और n-1 कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। देन आते हैं वेरियस कोड्स। कोड्स में हम बात करेंगे यहाँ पे, चाहे ग्रे कोड है, BCD कोड है, इसके अलावा हमारे पास ASCII कोड है, मतलब मल्टीपल कोड्स को हम यूज करते हैं, मल्टीपल मेथड्स को हम यूज करते हैं, उनके बीच में कन्वर्जन की बात करेंगे। और फाइनली हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्पेशली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे कई बार होता है क्या है, मैक्सिमम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना वो लोग पुराने गेट के क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं, तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करें सिंगल प्रिसीजन है या डबल प्रिसीजन है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मेंटिसा क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि नंबर सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है, कैसे सब कुछ करना है। सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहले हम बात करते हैं यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कि यार नंबर सिस्टम को यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है नंबर सिस्टम की। तो देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे नंबर सिस्टम का, हम यहाँ पे काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब मुझे कुछ काउंट करना है, मुझे कुछ मेजर करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिनके थ्रू मैं कुछ चीजों को मेजर कर सकूं, चाहे मैं वेट को, हाइट को मेजर करना है वो मेजर कर सकूं। अगर मैं बात करूं काउंट की, तो मैं कितने क्वांटिटी है मैं उसको मेजर कर सकूं। रिप्रेजेंटेशन की, ट्रांसमिशन की बात करें, तो कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करें, तो देखो आप चाहे पिक्चर की जो, चाहे आप वीडियोस की बात करो, टेक्स्ट की बात करो, कंप्यूटर को एक ही सिस्टम पता है, वो हर एक चीज को 0 और 1 की फॉर्म में देखता है, बाइनरी नंबर सिस्टम की फॉर्म में देखता है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यार मैं डेटा जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट में भेज रहा हूं, लेकिन बैकएंड पे वो डेटा जो है अदर फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे अदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम जो है इन सारी चीजों में, कम्युनिकेशन की बात करें वहां पर इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ में तो आपको पता ही है नंबर सिस्टम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम्स हैं हमारे पास यहां पे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ये चार जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम बात करें बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब जिसमें कितने नंबर्स हो, 2 नंबर्स हो। कौन कौन से नंबर हैं, 0 एंड 1। तो देखो, अगर यहां पे बात करते हैं सबसे पहले हम बेस की, या जिसको हम बात बोलते हैं रेडिक्स, बेस, या हम इसको बोलते हैं रेडिक्स, रेडिक्स। बेस और रेडिक्स का मतलब क्या है कि यार जिस नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना,
उसमें कितने टोटल नंबर्स हैं। तो देखो बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में कितने टोटल नंबर्स कितने हैं, दो। तो यानी इसका बेस क्या है, इसका रेडिक्स क्या है, टू। फिर हम बात करें कि यार ठीक है दो नंबर है, लेकिन वो दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर है जीरो और वन। गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्टल, यार ऑक्टल का मतलब क्या, आठ। ऑक्टल क्या होता है, आठ। यानी इसमें बेस की वैल्यू क्या है, 8। और बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ अलाउड सिंबल्स, नंबर ऑफ अलाउड सिंबल्स। तो यहां पे अगर हम बात करें ऑक्टल में कितने टोटल है, 8, और कौन कौन से, 0 to 7, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। गेटिंग द पॉइंट। तो टोटल कितने हो गए, 8। देन हम बात करें डेसिमल, तो डेसिमल में जो बेस है वो क्या है, 10। हम लोग देखो शुरू से बचपन से ही किसको यूज करते आ रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते आ रहे हैं। काउंटिंग हम कैसे करते हैं, सिंपल आपको पता ही है। तो डेसिमल में हमारे पास अलाउड कितने हैं, 10। मतलब इसका बेस क्या हो गया, 10। लेकिन रेंज क्या है, रेंज मतलब कि कौन कौन सी है, 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये अलाउड सिंबल्स है, आप इसको कह सकते हो रेंज, और टोटल जो है वो क्या है, 10। तो इसको बोलते हैं बेस या रेडिक्स। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें तो बेस क्या है, 16। मतलब अलाउड कितने हैं, टोटल 16 सिंबल्स अलाउड है। लेकिन अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज में क्या बनेगा, 0 to 15। तो 0 to 15 को मतलब कैसे होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद हम क्या आएंगे, ऑब्वियसली 10 11 12 13। लेकिन यहां पे आपको जो है थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, क्या हम यहां पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखते, क्योंकि जनरली हम यूज क्या करते हैं कि यार एक अल्फाबेट से, मतलब एक सिंबल से ही हम डिनोट करते हैं। तो देखो 0 से 9 तक एक सिंगल सिंबल हमने यूज किया, रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन यहां पे देखो दो दो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं। और देखो अगेन ये 1 और 0, 1, 1 भी क्या है, अदर सिंबल्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको बेटर वे में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये है एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन, 0 से 9 एज इट इज, उसके बाद 10, 11, 12। आपने समझना यही है कि ये A का मतलब क्या है, 1010 इन द बाइनरी। तो 1010 इन द बाइनरी क्या होता है, 10 इन द डेसिमल। तो बात वही है, लेकिन लिखते टाइम आपको ए बी सी डी यूज करना है, 10, 11, 12 यूज नहीं करना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेस क्या हो गया, 16, मतलब टोटल अलाउड कितने हैं, 16। तो यहां पे क्या पता लग रहा है मुझे, यहां पे पता लग रहा है कि अगर मुझे कोई भी nth, कोई भी अगर मुझे बेस दिया हो, लेट्स से अगर मुझे कोई भी नंबर सिस्टम दिया है जिसमें मेरा बेस क्या है n, या मेरा रेडिक्स क्या है n, तो यानी रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी 0 to n-1। गेटिंग द पॉइंट, सिंपल से पता लग गया। जैसे देखो ना, यहां पे मेरा 2 है तो 0 1, यहां पे 8 है तो 0 to 7, 10 है तो 0 to 9, 16 है तो 0 to 15, जिसको हम क्या लिखते हैं, f। तो अगर मेरा कोई भी बेस है n, अब आपको कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है आपको दे दें बेस 12, मतलब इस तरीके से दे दें 12। तो भैया समझ जाना कौन कौन से, 0 से 11। गेटिंग द पॉइंट, यानी क्या हो गया, 0 से 11। और कैसे लिखोगे भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो नॉर्मल, लेकिन अगेन याद रखना 10 और 11 को ऐसे नहीं लिखना, उसको हम क्या लिखेंगे, ए और बी। समझना उसको 10 11 ही है, लेकिन लिखते टाइम उसको ए और बी ही यूज करना। तो ये आपका जो है वो बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो कहीं ना कहीं आपको सारे जो है पॉइंट्स, क्योंकि इक्वेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पे हम इनको यूज करेंगे। तो ये कहानी होगी आपके बेस की, रेडिक्स क्या होता है, रेंज क्या होती है। तो आपको अब कोई भी nth नंबर कोई भी दे दिया जाए, कोई भी n बेस दे दिया जाए, तो आप उसको समझ जाओगे कि यार इसकी एक्चुअल में रेंज क्या है, कितने सिंबल्स है, क्या इसमें अलाउड है, क्या इसमें अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं कई बार इस तरीके से पूछ लें, लेट्स से आपके पास एक बेस है 12, तो यानी 0 से 11 हो गए, तो क्या मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं नंबर, लेट्स से 7 एंड 13 लिख सकता हूं यहां पे, नहीं लिख सकता। हमेशा याद रखना, जो भी मेरा बेस होगा n, जो भी मेरा बेस होगा ना n, तो उसमें रेंज क्या होती है, रेंज होती है 0 से n-1, मतलब nth सिंबल भी नहीं आ सकता,
nth भी अलाउड नहीं है, तो n प्लस वन वाला तो ऑब्वियसली आ ही नहीं सकता, तो 0 से n माइनस वन तक ही अलाउड है। वही मोड वाली वैल्यू की अगर आप 10 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ सकता है, लेकिन 10 को 10 से या किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10, 11, 12 जो है वो नहीं आएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 से 9 के बीच में ही आएगा। तो ये बेसिकली कहानी है आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन की। थैंक यू।